हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग जो है वो कैसे लेते हैं ये आज हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये सिला हुआ ब्लाउज़ है, लेकिन ब्लाउज़ की फ़िटिंग जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लेनी है। जब हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग करते हैं तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे आपको ये जो बैक साइड है, बैक साइड का आपको इस तरह से सेंटर निकालना है। सेंटर पर आपको एक मार्किंग करनी है। जब भी हम बैक साइड में, ये देखिए यहाँ पे हमें बैक साइड में एक मार्किंग करनी है। अभी यहाँ पे हमें बैक साइड में मार्किंग करने के बाद जब हम इस तरह से एक मार्किंग कर लेते हैं, और मार्किंग करने के बाद जैसे यहाँ पे हमारी हुक की पट्टी आती है, तो हुक की पट्टी जो आती है यहाँ पे आपको सेंटर जो अच्छे से निकालना है। ये देखिए, यहाँ पे आता है हमारा सेंटर। यहाँ पे हमारा ये नहीं है, यहाँ पे हमारा ये सेंटर आता है। सेंटर पे क्या करना है, सेंटर पे आपको ये नहीं, ये जो लाइन मैंने लगाई है वो है। सेंटर पे आपको क्या करना है, ये हुक की पट्टी जो है वो रखनी है इस तरह से। अभी हुक की पट्टी जो रखते हैं, पहले हमें यहाँ पे जो इस तरह से करना है, करने के बाद जो बाहर के साइड में थोड़ा बहुत निकलता है फ्रंट या बैक साइड का, तो उसे आपको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से लेना है। लेने के बाद जैसे सीधी साइड में हमें एक सिलाई लगानी है, फिर हमें उल्टी साइड लेनी है, तो फिर उल्टे साइड में हमें ये फिटिंग की सिलाई लगानी है। अभी फिटिंग की सिलाई जो लगाते हैं, ये हुक की पट्टी है, इसके ऊपर हमें इस तरह से सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद यहाँ पे हमें स्लीव्स का बंद हाफ निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या किया है, जैसे पहले बैक साइड का हमने सेंटर निकाला, सेंटर पे ये हुक की पट्टी है वो रखी है, जो हल्का सा बाहर के साइड में थोड़ा बहुत निकलता है, तो उसको दोनों साइड को सीधा कट करना है। सीधा कट करने के बाद यहाँ पे हमें स्लीव्स का हाफ लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें चेस्ट का 1/4 लेना है, और यहाँ पे हमारा कमर का 1/4 आता है, और यहाँ पे हमारी जो सीधी सिलाई आती है तब हमारी फिटिंग जो है वो एकदम परफेक्ट आती है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो सिलाई है एकदम सीधी है, तो जब हम सीधी सिलाई लगाते हैं तो आपकी फिटिंग जो है एकदम परफेक्ट आती है। दूसरी बात, जैसे हुक के साइड का हो गया, अभी आई के साइड का, अभी आई की जो साइड है इसे क्या करना है, ये जो आई पट्टी होती है, ये आई की पट्टी जो होती है, ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है। अभी एक्स्ट्रा पट्टी होती है तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर निकलता है, यहाँ पे हमारा जो सेंटर है, सेंटर के आगे हमें आई की पट्टी रखनी है। ये देखिए, सेंटर के आगे हमें आई की पट्टी रखनी है। अभी सेंटर के आगे हम आई की पट्टी रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमें दोनों साइड में इस तरह से लेना है, और जो थोड़ा बहुत बैक साइड का या फ्रंट साइड का कम ज़्यादा हो जाता है तो हल्के सा उसको कट देना है, और फिर यहाँ पे आपको स्लीव्स का हाफ आपको लेना है। स्लीव्स जितनी है आपकी, वहाँ से यहाँ से यहाँ तक आपको हाफ लेना है। यहाँ पे आपको चेस्ट का 1/4 लेना है, और यहाँ पे आपको कमर का 1/4 लेना है। तो ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हमें छोड़ के चेस्ट का 1/4 लेना है। ये जो पट्टी हमें, ये पट्टी जो ऊपर आगे के साइड में छोड़ देना है, यहाँ से आपको चेस्ट का 1/4 लेना है, यहाँ से आपको कमर का 1/4 लेना है, और यहाँ पे आपको स्लीव्स का हाफ लेना है। तो अभी यहाँ पे आप सीधी लाइन लगाओगे, ये तक सीधी सिलाई लगाओगे, तो ये फिटिंग जो है वो परफेक्ट आती है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये सिलाई जो है इस तरह से आई है। सीधी सिलाई आने के बाद हमारी फिटिंग जो है, आपकी कोई गलती नहीं हुई है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ब्लाउज़ भी फिटिंग में बहुत ही अच्छा आता है। जैसे सीधी सिलाई आने पर हमारा ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट आता है। तो इस तरह से मैंने आपको सिंपल तरीके से आपको ब्लाउज़ की फिटिंग जो है वो कैसे करनी है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।